podcast available. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आमिर खान बलोच ते तुसा वेखदे पे हो साडा यूट्यूब चैनल देसी विलेज पीके। दोस्तों तुहानूं पता तां लग गया सी, तुसा प्रोमो वेख लिया, ट्रायल वेख लिया कि असां आए होते हैं अपने इलाके माछवाल दे विच। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इत्थों दी आवाम वास्ते, एक बहुत ज़्यादा खुशखबरी दी तुहानूं जरूरत भी आई। तो कुछ दिन तो पहले तुसा सोशल मीडिया ते इश्तहार वगैरह भी वेख रहा है, अज उस जगह ते मौजूद आए माछवाल सफदर मेमोरियल क्लीनिक ते असां मौजूद आए। तो ये इंशाल्लाह इहदा अज इफ्तिताह हो रहा है, तो बहुत वड्डे वड्डे डॉक्टर साहबान तशरीफ लै रहे हैं। साढ़े इलाके वास्ते खुशखबरी की जरूरत यह है, खुशखबरी इस गलू आख रहे हैं क्योंकि साढ़े को माशा रोड तुम पता है भाई एमरजेंसी की सूरत हाल के सूँ 18,000 तक या कोट शाकर तक पहुँचता कितना वक्त दरकार होता है। तो रोड अगर इस तरह है कि अक्सर मरीज़ की खुदा न खास्ता खून ज़्यादा बहाने की वजह तो डैथ हो जाती है। तो इस वास्ते सानू एक मेडिकल एमरजेंसी की सख्त जरूरत आई क्योंकि साढ़े कोल नाल है BAU माछवाल हॉस्पिटल है, लेकिन इतने एमरजेंसी की सहूलत मौजूद को नहीं, ना कोई अल्ट्रासाउंड, ना कोई एक्सरे, ना ही कोई लैबोरेटरी की सहूलत मौजूद है। तो अलहमदुल्ला अज इसका इफ्तिताह हो रहा है क्लीनिक का, तो इतने बकायदा नाल जनाब लिए अच्छा स्टाफ जिहड़ा है वह तैनात किया गया है। तो उस तो इलावा इतने एक्सरे की भी, अल्ट्रासाउंड की भी, लैब की भी जी जरूरत आई आवाम नूं जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत आई वह भी इतने मुहैया कर दी गई। इस तो बाद ऑक्सीजन, नेबुलाइजर, खून टेस्ट, होर भी बहुत सी मेडिकल एमरजेंसी की सूरत जी तुम हर चीज़ की जरूरत होती है, हर चीज़ दस्तियाब है। मेरे पिछू वेख रहे हो अज इफ्तिताह है, तो साढ़े सामने डॉक्टर आबिद हुसैन सियाल साहब तो डॉक्टर जफर इकबाल साहब मौजूद हैं। उन्होंने बंद की वजह तो अज थोड़े अगू जो सहूलत नज़र आ रही है हॉस्पिटल के सू बहुत ज़्यादा जरूरत आई इस गल की, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काफ़ी चंद साढ़े सियाल बिरादर आदि आ भाई डॉक्टर तैमूर, डॉक्टर सफदर साहब तो डॉक्टर तैमूर साहब और काविश है कि डॉक्टर जफर इकबाल सियाल साहब तो डॉक्टर आबिद हुसैन सियाल साहब की इंतहाक मेहनत तो कोशिश से अज असं समर चाह रहे हैं कि साढ़े माछवाल के लियाने इलाके की बहुत ज़्यादा जरूरत आई। तुस वेख रहे हो पिछू अज इफ्तिताह हो रहा है इन्हों का, तो दुआ मंगी जा रही है। सानू इस चीज़ की बहुत अशद जरूरत आई जनू आख्या जाता है, तो अलहमदुल्ला अज साढ़े वास्ते खुशी का दिन है कि साढ़े इलाके की सहूलत मौजूद हो गई है। सानू 20-25 किलोमीटर करके 18,000 ही जाना पाँदा आई या कोट शाकर जाना पाँदा आई। बाज एमरजेंसी इस तरह की आँदी आई भाई बच्चे की डिलीवरी के दौरान अक्सर खून ज़्यादा बह जाता है, तो इतनी सहूलत मौजूद कोई ना, बेहतरीन स्टाफ अमला मौजूद है, हर किस्म की सहूलत मौजूद है। तुहाड़े सामने मेरे पिछे तुसा वेख भी रहे हो, सफदर मेमोरियल का इश्तहार भी तुहाड़े सामने चल रहे हो सी। उस तो बाद इत्थे हर चीज़ की सहूलत असा जनाब डॉक्टर आबिद हुसैन सियाल साहब को जा रहे हैं, तो उन्होंने को पूछने हैं इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, तो मुबारकबाद मुस्तहिक उन्होंने को गल करेंगे। सर माछवाल वास्ते आवाम वास्ते बड़ा अच्छा इनिशिएटिव तुसा लिया है सर, की आख सकते हैं माशाल्लाह सर, बड़ी खुशी हुई है सर, कंग्रेचुलेशन। बिल्कुल अगे 10-15 किलोमीटर दूर जाना पौंदा है एमरजेंसी की सूरत हाल है। जी जी डॉक्टर जी जी सहूलत जी जी बड़ी खुशी हुई सर, बिल्कुल सर बिल्कुल आवाम वास्ते बड़ा अच्छा फैसला किया सर, थैंक यू। रोड की वजह तो नहीं क्रॉस कर सकते यार, जी जी हकूक वाली बाद आ गई हर चीज़ बिल्कुल अपने इलाके का। जी नाजरीन तुसा डॉक्टर आबिद हुसैन सियाल साहब ते समाजी शख्सियत
जनाब सलीम चिश्ती साहब की गुफ्तगु सुनी, जिन्हों का निचोड़ यही है कि खुद न दूसरों वास्ते वक्फ कर देना भी असल हकूक उल इबाद ते खिदमत का सरचश्मा भी यो है कि अवामी खिदमत ही इसी का ना है जिन उस खिदमत खलकाना है कि खुद न दूसरों वास्ते वक्फ कर देना। अपने मेज़बान आमिर खान को इजाजत दियो, अल्लाह हाफिज़ ते अल्लाह निगेबान।